हेलो यूनमिन बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन हिज पेरेंट्स फोर्सफुली सेंड हिम टू हिज एनिमी के पार्ट टू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन एंगर में योंगी के फेस पर स्लैप करने जाता है, तभी योंगी जिमिन के हाथ कस कर पकड़ लेता है और उसे अपने और करीब लाकर कहता है, दोबारा ऐसी हरकतें करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर जिमिन शांत होकर बैठ जाता है। योंगी स्माइल कर अपने दोनों हाथों से जिमिन के फेस होल्ड करके कहता है, गुड बॉय। ये कहकर योंगी अपने लिप से जिमिन के लिप्स कैप्चर कर उसे किस करने लगता है। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। योंगी गैजेट की मदद से डोर ओपन करता है, तभी वो देखता है जिमिन के पेरेंट्स को, जो अपने साथ दो तीन और लोगों को लेकर आया था। जिमिन अपने मॉम डैड की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, अब आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजकर अब बर्बादी देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, है ना? जिमिन के फादर भोला बनने का नाटक करते हुए कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? बल्कि हमें तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ हो। रात भर तुम्हारे मॉम और मैं परेशान थी, तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। ये तो हमें तब पता चला जब तुमने हमें मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है। जिमिन शॉक होकर कहता है, क्या टेक्स्ट? वो भी मैंने आपको कोई टेक्स्ट नहीं भेजा। वो आप लोग हो मॉम डैड जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा है, वो भी ड्रग देकर। उनकी शांत होकर ये सब ड्रामा देख रहा था। उसे पता है जिमिन सच बोल रहा है, फिर भी वो इस ड्रामा को चुपचाप बैठकर एंजॉय करने लगता। तभी जिमिन फिर से कहता है, जबकि मैं भी से प्यार करता हूँ फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। योंगी तुरंत जिमिन के गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, यू लिटिल ब्रैट, तो तुम यहाँ मुझे फंसाने आई थी, ये सब तुम्हारी प्लान के एक हिस्सा है। जिमिन एक हाथ से अपनी चिक्स पकड़ कर कहता है, यही तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच तुम जानते हो। तभी मिस्टर पार्क अपने फ़ोन से वो मैसेज निकाल कर योंगी को शो करता है, जिसमें ए लिखा है, डैड मैं मीन योंगी के घर पर हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ क्लब में गया था, किसी ने मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। ड्रिंक्स पीने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, जब मेरी आँखें खुली तब मैंने खुद को योंगी के साथ उसके बेड पर पाया, उसने मुझे यह ड्रग देकर लाया है और मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, अब मुझे कैच करके रखा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जिमिन मैसेज जिमिन के नंबर से ही सेंड हुआ था, ये कब और कैसे हुआ ये जिमिन को भी नहीं पता। जिमिन ये देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड में था। जिमिन कहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी नहीं है और मैं कल रात से इस मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर हूँ और ये मैसेज सुबह के 7 बजे सेंड हुई है। योंगी भरोसा करो मेरा, वो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं, ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मिसेस पार्क जिमिन को आंखें दिखाने लगती है ताकि वो चुप हो जाए। योंगी कहता है, तो अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मिस्टर पार्क एक सेकंड भी समय नहीं लिया। मिस्टर पार्क कहता है, अगर ये न्यूज़ बाहर आई कि मीन योंगी जो कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने बिस्तर गर्म करने के लिए इस तरह के काम करता है। मिस्टर पार्क की ये बोलते ही उनके साथ जो और दो लोग थे वो योंगी और जिमिन के हाफ नेकेड बॉडी के तस्वीर खींचने लगता है। योंगी चलकर वार्डरोब के पास आ जाता है और वार्डरोब से गन निकलकर सीधा मिस्टर पार्क के फोरहेड पर रखकर कहता है, ओल्ड मैन मैंने तुमसे सीधा सीधा पूछा है कि तुम मुझसे अब क्या चाहते हो, तुम बात को इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो और चीज़ों को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो। मिस्टर पार्क गन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिस्टर पार्क कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे जिमिन से शादी कर लो, तब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा और ये तस्वीर भी डिलीट कर दिया जाएगा। देखो तुमने मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती की है। जिमिन कहता है, डैड आप ये कैसे बोल सकते हो? तभी योंगी उसे रोकते हुए कहता है, ओके डन, मैं उसे शादी करूँगा। और फिर योंगी मन में एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है, फाइनली वो ही हुआ जो मुझे चाहिए था, चाहे तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर धोखे से भेजा हो, आई विल मैरी योर सन। ये सुनते ही जिमिन के हार्ट बीट करना बंद कर देता है। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है
उन्हें उनकी ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिमिन इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है। जिमिन योंगी के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, यह जो कुछ भी हुआ है मैं इसे भूलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। योंगी तुरंत अपने असिस्टेंट मिस्टर जो को कॉल कर कार रेडी रखने के लिए कहता है। कॉल काट कर योंगी जिमिन के पास आकर कहता है, बेबी बॉय बात करके तुम अपना और मेरा दोनों की कीमती वक्त वेस्ट मत करो, ओके। यही कहकर योंगी जिमिन के मॉम डैड के तरफ देखता है। मिसेस पार्क उन दो गार्ड के तरफ देखकर उन्हें जिमिन को पकड़ने के लिए इशारा करता है ताकि जिमिन वहां से भाग ना सके। गार्ड जिमिन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जिमिन उन पर चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे कहां लेकर जा रहे हो, छोड़ो, जाने दो मुझे। पीछे से मिस्टर पार्क कहता है, उसे कार के अंदर डालो। जिमिन कहता है, डैड मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर पार्क कार में आकर जिमिन के पास बैठकर कहते हैं, बेबी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारे फैमिली बिजनेस के साथ साथ तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जिंदगी भर तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मीन योंगी के दिल जीतने में फोकस करो। मिस्टर पार्क दांत पीसते हुए कहता है, इस बार तुमने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शाम को शादी है तो अपना फेस ठीक करो। शादी के बाद सुनकर जिमिन के हार्ट बीट करना बंद कर देता है। जैसे ही कार सिटी मॉल के बाहर आकर रुकता है, जिमिन कार डोर ओपन कर जल्दी से कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। वो जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागने की कोशिश करता है। मिस्टर पार्क शाउट कर गार्ड को जिमिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने के लिए कहता है। गार्ड कार से निकलकर जिमिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गार्ड जिमिन के पीछे भागते हुए उसे चिल्लाकर मीन जिमिन कहकर बुला रहा था। जिमिन पीछे की तरफ देखकर और तेज भागने लगता है। जिमिन भागते हुए बार बार पीछे की ओर ही देख रहा था जिसे वो सामने से आती हुई टैक्सी को नहीं देख पाता है। मुश्किलों से टैक्सी ड्राइवर एंड टाइम पर ब्रेक को कस लेता है जिसे जिमिन के एक्सीडेंट होने से बच जाता है। टैक्सी ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है, क्या तुम मरना चाहते हो। जिमिन जल्दी से टैक्सी के अंदर आकर बैठकर कहता है, सॉरी सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी। टैक्सी ड्राइवर कहता है, क्या हुआ तुम्हें और तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो। जिमिन हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज पहले आप कार स्टार्ट कीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग कौन है और क्यों मेरा किडनैप करने की कोशिश कर रहा है मुझे नहीं पता, प्लीज सेव मी। टैक्सी ड्राइवर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ओके आई विल हेल्प यू, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो। जिमिन के दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो जल्दी जल्दी में टैक्सी ड्राइवर से हॉस्पिटल का एड्रेस देकर कहता है, प्लीज़ मुझे इस एड्रेस पर छोड़ दीजिए। ड्राइवर ओके कहकर इंजन स्टार्ट करता है। जिमिन विंडो से बाहर देख रहा था और तेयांग के साथ बिताए हुए उन स्वीट मोमेंट्स को याद कर रहा था और रो रहा था। रोने के वजह से उसके चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। जिमिन मन ही मन सोचता है, जितना जल्दी हो सके मैं उस पागल इंसान से दूर जाना चाहता हूँ, मैं उससे दूर भागना चाहता हूँ, वो पागल है, इंसान मुझे अपने आप से दूर भागने नहीं देगा, उसके आदमी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। जैसे ही टैक्सी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकता है, जिमिन जल्दी से बाहर निकल कर जाने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर उसे पेमेंट के लिए रोक लेता है। जिमिन के पास इस वक्त कोई पैसा नहीं था टैक्सी ड्राइवर के बिल चुकाने के लिए। जिमिन के फिंगर में एक रिंग थी। जिमिन उसे अपनी उंगलियों से उतारकर टैक्सी ड्राइवर को देकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जिमिन अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से तेयांग के बारे में पूछता है। वो लेडी फाइल्स चेक करने के बाद कहता है, ऐसे लेफ्ट जाकर लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर चले जाना, उसके बाद वार्ड नंबर 209। जिमिन थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जिमिन हॉस्पिटल में अपना कदम रखा था, योंगी के पास ऑलरेडी इसका खबर पहुंच जाता है। यह शाम के वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हो चुका था। योंगी फ़ोन काट कर स्माइल करते हुए कहता है, सिली बॉय तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर भाग सकते हो, और भागकर तुम कहाँ गए। हॉस्पिटल, वो भी तुम्हारे उस लवर के पास जो अभी खुद हॉस्पिटल के बेड पर बेजान पड़ा है। जिमिन डोर पुश कर कमरे के अंदर आ जाता है।
त्यंग को लाइफलेस बिना मूवमेंट के लेटे रहते हुए देखकर जिमिन की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। त्यंग के आंखें जिमिन को देख पा रहा था। जिमिन के हेयर्स मेसी थे और आंखें लाल, यहाँ तक उसने ठीक से शर्ट की बटन तक क्लोज नहीं किया था। जिमिन धीरे धीरे वॉक करते हुए त्यंग के बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन योंगी के बात याद करता है, उसने कहा था ते सब कुछ सुन सकता है, उसे महसूस कर सकता है। जिमिन त्यंग के हैंड अपने हैंड में होल्ड कर सर नीचे झुकाकर रो रहा था। उसके आंखों से आंसू ड्रॉप होकर त्यंग के हाथ में गिरने लगता है। त्यंग के लिए जिमिन को ऐसे देखना बहुत ज़्यादा पेनफुल था। जिमिन आंखें बंद करके कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तभी जिमिन को लास्ट नाइट की इंसिडेंट याद आता है, जहाँ योंगी और वो एक बेड पर था और योंगी के हाथ उसे एवरी एंगल से टच कर उसे महसूस करने में खोया हुआ था। जिमिन तुरंत त्यंग के हाथ छोड़ देता है और खुद को 2 स्टेप पीछे कर लेता है। जिमिन जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों से टाइटली अपने हेयर्स पकड़कर खींचते हुए कहता है, वी उठो, बात करो मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उठना होगा। अगर तुम नहीं उठे तो वो डेविल जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा। आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज वेक अप। अब जागने का समय हो गया है। जिमिन वी को जागने की बहुत ज़्यादा कोशिश कराने लगता है, पर उसके सारी कोशिश नामुमकिन हो जाता है। जिमिन उस दर्द भरी रात को याद कर जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और बेड के पास आकर त्यंग के आंखों के सामने शर्ट की बटन ओपन कर शर्ट उतार कर शरीर से अलग कर नीचे फेंक कर कहता है, देखो इन ब्रुजेस को और इन हिकी को जो तुम्हारे उस कज़िन ने मुझे दिया है। वी, मैं अब प्योर नहीं रहा, आई एम डर्टी, और ये तुम्हारे वजह से हुआ है। हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से हैं, पर तुमने कभी मुझे टच नहीं किया। आज मुझे तुम चाहिए, उठो, गेट अप। जिमिन पागल हो चुका था, जिमिन के दिमाग काम करना बंद कर दिया था। जिमिन गुस्से में त्यंग के शरीर से हॉस्पिटल के क्लोथ रिमूव कर खुद को उस पर फोर्स करने लगता है। त्यंग के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, उसे बहुत पेन फील हो रहा था अपने दिल में। अचानक सारे मशीन में से आवाज़ें निकलने लगती हैं जो त्यंग के बॉडी के साथ कनेक्टेड था। त्यंग के आंखों में से आंसू गिर रहे थे, पर जिमिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिमिन त्यंग के नेक पर हाथ रख उसे करीब खींचते हुए कहता है, गेट अप, आज तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे, टच करो मुझे, बिना कुछ किए थक कैसे सकते हो तुम, उठो और टच करो मुझे। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम थक गए हो? उस समय नर्स त्यंग के कमरे के पास से ही गुजर रही थी, तभी उसे कमरे में से आवाज़ आता है। नर्स जल्दी से कमरे के अंदर आकर अंदर की सीन को देखकर नर्स चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने लगती है। नर्स जल्दी से जिमिन को त्यंग के पास से खींचकर अलग करते हुए कहती है, कौन हो आप और यह पेशेंट के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? जिमिन अपने हाथ से आंसू वाइप करके कहता है, मैं कौन हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और वो मुझसे, हम दोनों साथ में जीने मरने का फैसला भी किया है, इसलिए मेरा जो मन करे मैं वो कर सकता हूँ उसके साथ, नर्स चिल्लाते हुए कहते हैं। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। नर्स जिमिन को कसकर पकड़ी हुई थी और घबराई हुई आवाज़ में कह रही थी, सर प्लीज़ अब जो भी हो आपके लिए रुक जाइए, अब इस तरह से पेशेंट को हार्ट कर देंगी। तभी डॉक्टर गार्ड के साथ अंदर आ जाता है, गार्ड जिमिन को पकड़ लेता है और डॉक्टर त्यंग को चेक करने लगता है। डॉक्टर नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहता है। त्यंग के कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। जिमिन को गलती का एहसास होते ही जिमिन शांत होकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है, डॉक्टर प्लीज़ मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है, तुम उससे मिल नहीं सकते बेबी बॉय। वॉइस सुनकर जिमिन अपने स्पॉट पर ही जम जाता है, उसके शरीर कांपने लगता है। जिमिन के अंदर अब इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची कि वो अपना फेस टर्न कर ये देखे कि कौन है, क्योंकि आवाज़ से ही उसे पता चल चुका था कि योंगी है। योंगी अंदर आकर सीरियस टोन में कहता है, लीव हिम। गार्ड तुरंत उसे फ्री कर पीछे हट जाता है। योंगी जिमिन को पीछे से हाँक कर लेता है और उसके नेक पर फेस रब करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो, मैंने तुम्हें समझाया था कि कोई गलती मत करना, लेकिन तुम देखो तुमने उसका क्या हाल बना दिया है, क्या यही तुम्हारा प्यार है,
क्या होगा अगर वो इसे बर्दाश्त ना कर पाए और तुम्हें हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में मेरे पास छोड़कर चला जाए। ये कहकर यूं की एक सेकेंड के लिए रुकता है, फिर वो दोबारा बोलना स्टार्ट करता है। डॉक्टर ने कहा वो अब पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में है, वो सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं क्या पता, इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो बेबी बॉय। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि आप लोग यूनमिन स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट तो करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी क्या करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।